अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी वीकेंड एवरीवन. हमारे सब फॉलोअर्स, देखने वाले, सुनने वाले सबको हमारी मेरे कारवां की टीम की तरफ से एक बार फिर वेलकम है हमारे थर्ड एपिसोड में. और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बुक डे के हवाले से 2021, जिसका थीम है शेयर अ स्टोरी. तो आज के सेशन की खास बात ये भी होगी कि आज सेशन के इख्तिताम की तरफ हम अपने लाइव ऑडियंस में से कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, उनकी स्टोरीज सुनेंगे, उनकी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे और कुछ हम अपनी स्टोरीज भी उनके साथ शेयर करेंगे. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे. जैसा कि पेंडेमिक के इस मुश्किल टाइम में हम ऑलरेडी आई थिंक एक साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है कि मोस्ट ऑफ अस आर स्टेइंग होम, और ऐसे मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव रखना और एंटरटेन रखना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और इसी की वजह से, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेशन में बात की कि यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करती है और जिसके कुछ नेगेटिव हमने पहलू भी डिस्कस किए थे, तो उसी चीज को लेकर आगे चलते हैं कि आखिर अगर हम आज से 30 साल 40 साल पीछे जाएं, जब हमारे पास ये आईफोन, टैब्स और ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो उस वक्त लोग कैसे अपना टाइम गुजारा करते थे और उसमें बुक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था. तो आज हमने ये महफिल इसीलिए सजाई है कि हम अपनी उस चाइल्डहुड की मेमोरीज को, स्पेशली मेरी, मैं भी अपने हवाले से कहूंगी कि आई वाज लाइक अ बुक लवर, बुक वर्म बचपन से, तो हम उन यादों को, उन बातों को, उन कहानियों को थोड़ा सा दोबारा से जीते हैं आपके साथ. तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपनी, हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. डॉक्टर फौजिया फारूक का, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू बोथ ऑफ अस, माई सेल्फ एंड फौजिया ताहिर, एंड शी इज अ फैकल्टी मेंबर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट कादी आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. फौजिया का काम जो है वो मेडिवियल एंड मॉडर्न साउथ एशिया की हिस्ट्री को से रिलेटेड है, जिसके बारे में उन्होंने काफी सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं और वो बुक्स भी लिख चुकी हैं जिसमें, और उनका एक और इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स, जेंडर, सिनेमा, स्लेवरी को लेकर भी ये बात करती रहती हैं और लिखती रहती हैं. आज हम अपने सेशन का कुछ हिस्सा इनकी एक बुक के बारे में भी बात करेंगे, जिसका बुक का टाइटल है मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया, पावर एंड पावर इन मेडिवियल साउथ एशिया. फौजिया जो वो है वो लिखने के साथ साथ एक पेंटर और सोशल वर्कर का भी काम करती है. सो वेरी वार्म वेलकम फौजिया टू मीरे कारवा. वी आर वेरी प्लीज टू वेलकम यू हियर. कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? थैंक यू सो मच. और आप दोनों के साथ बात करके हमेशा ही बहुत जबरदस्त लगता है, और आई ऑलवेज वॉच योर सेशंस ऑन मेरे कारवां, ऑलवेज इंस्पायर्ड एंड ऑलवेज मोटिवेटेड बाय योर सेशंस. थैंक यू वेरी मच. तो चले आपसे मैं पहला सवाल ये करती हूँ कि फौजिया, आप एक राइटर हैं, एक रिसर्चर हैं, मतलब आर्ट्स के इर्द गिर्द आपकी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो रिवॉल्व करती हैं, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम हु यू आर टुडे, स्पेशली बुक राइटर और बुक रीडिंग के हवाले से? राइट, आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद एनवायरनमेंट. इनिशियली जब मैं जाहिर स्कूल में थी तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू राइट हिस्टोरिकल फिक्शन, लेकिन फिर जब कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आई तो यहाँ पर एक खास किस्म का एकेडमिक, बहुत आप कह सकते हैं, एक तो कॉम्पिटिशन बड़ा कट थ्रोट होता है यहाँ पर, एक तो ये वजह थी, और फिर यहाँ पर एक बुक राइटिंग कल्चर भी था जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाती हूँ. तो वहाँ पर जो है सब टीचर्स, जो सारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं, सब ने किताबें लिखी हुई थी. तो फिर किताब किताब लिखनी पड़ गई.
जी मैं समझ सकती हूँ। मैंने जिंदगी में अभी तक एक ही किताब लिखी है जो मेरा पीएचडी का थीसिस है, और मेरा ख्याल है कि वो इतना लाइक ड्रेनिंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक फौजिया ताहिर विल आल्सो एग्री कि अब आपको ना थोड़ा आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए। बुक लिखना मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी वेरी टायरिंग प्रोसेस, बहुत एनर्जी जाती है आपकी। तो फौजिया ताहिर से सवाल पूछते हैं। फौजिया इज अ को होस्ट विद अस टुडे। फौजिया, आप सिंस यू आर आल्सो इनटू बुक रीडिंग, सो कैसे ये आदत कैसे बनी, कब बनी, किसको देख के बनी? असल में ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि गिलगित से, और हमारे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज आई डोंट थिंक वी वर वेरी रिसोर्सफुल। जितना था वो सिर्फ अच्छे स्कूल स्कूल में भेजने, यूनिफॉर्म लेने, किताबों, दरसी किताबों के लिए काफ़ी होता था। तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि जैसे घर की तरफ से होता कि अच्छा क्या पढ़ना है, लेट्स गो एंड गेट यू दैट। हाँ और इवन मुझे याद है जो पहला स्कूल मेरा था वहाँ पर लाइब्रेरी कल्चर भी नहीं था। लाइब्रेरी कल्चर भी थोड़े अरसे में डेवलप हुआ, जब मैं बहुत छोटी थी तब नहीं था। जब मेरे ख्याल में थोड़ी सी बड़ी हो गई मैं, फोर्थ फिफ्थ ग्रेड के अराउंड, फिर बुक्स लाइब्रेरीज हमने देखी हैं और थोड़ा उसका हुआ। मैं पढ़ाई की तरफ जब लाइब्रेरी का कल्चर आया, जब मैं दूसरे स्कूल में गई, फिर उसके बाद पब्लिक कॉलेज में जहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी थी, तो वहाँ एनिड ब्लाइटन की किताबें, वो मेलरी टावर्स, वो सारी मज़ेदार किताबें वो पढ़नी शुरू की, वहाँ से एक डेवलप हुआ। पर आई थिंक जो फिक्शन, क्योंकि मेरी मुझे लगता है कि फिक्शन, आई एम नॉट, मैं बहुत, फौजिया विल जज मी नाउ बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी, आई डोंट रीड वेरी हिस्ट्री रिलेटेड या बहुत दूसरी टाइप की बुक्स में नहीं पढ़ती। आई एम अ फिक्शन लवर एंड आई ऑलवेज गो फॉर फिक्शन वेन एवर आई हैव अ चॉइस। और जो फिक्शन के लिए मेरी मोहब्बत थी वो हमारे घर में कुछ पेइंग गेस्ट्स आते थे अंडर बासिफ, जो लाहौर से या बाहर मुल्क से आते थे। तो अच्छा उनमें से एक जर्मन विजिटर थी, उन्होंने हमें हैरी पॉटर की बुक्स लेके दी थी। और फिर उन्हीं में एक नौशा पति हु इज आल्सो पब्लिश्ड हर बुक रिसेंटली, उन्होंने हमें दी अल्केमिस्ट लेके दी थी। तो जो मेरा बहुत आई थिंक जो प्यार कह सकते हैं, मतलब पढ़ाई तो होती थी और पसंद था, वो हैरी पॉटर सीरीज से शुरू हुआ। और मेरे ख्याल में आई थिंक आई हम गिलगित में शायद पहले ही लोग थे जिनके पास हैरी पॉटर आया था, और हम वो ये एक बड़ा प्रिविलेज है बड़ी, और थैंक्स टू डॉरथी दैट शी हैड ब्रॉट इट फ्रॉम जर्मनी। तो वो प्रिविलेज जो है ना, उसमें बड़ा प्राइड है, मैं लेती हूँ कि हम लोग वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू रीड हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन, और फिर हम दूसरों को भी देते थे। तो इट्स 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 अ मिक्स ऑफ बोथ, एक तो एक्सेस टू बुक्स बट ऑल्सो एक्सेस टू द राइट बुक दैट वुड ट्रिगर दैट लव, यू नो, सो या हाँ, बुक। जहां से आपका जर्नी स्टार्ट होता है, एक्चुअली आपका वो बिल्डअप होता है। नाइस, इंटरेस्टिंग। Here I would like to, you know, हाँ, श्योर श्योर। पॉजिया मेरे मेरा ख्याल में केमिस्ट्री इसीलिए मिलती है, मैंने भी एनिड ब्लाइटन को बहुत पढ़ा है, और यही सोच रही थी कि हैरी पॉटर ऐसा नहीं हो सकता जिसने बचपन में किताबें पढ़ी और ये ना पढ़ी, अरे, आई अभी आप थिंक, लोगों से यू नो। बात करते हुए मुझे याद आया, आप दोनों का वो जो एक राइटर था जिसकी ऑक्सफोर्ड में शायद ग्रेव पर भी आप लोग गई थी दोनों, है ना? टोल टोल मेरे कजन थे, हम लोग गए वो, थे क्या लाइक टॉल दीज टू लेडीज आर वर लाइक, हमको वहां जाना ही जाना है। इनसे मुझे पता चला कि वो साहब कौन है, वरना मैं उनको जानती थी। वो एग्जिस्ट आई थिंक टॉल्किन के मजार पे गए थे हम लोग, हाँ मतलब वुडस्टॉक पे, हाँ, जिसको हम अलामा हाँ टॉल्किन कहते थे। जी, आप वहीं पे रहती थी उस वक्त। अः चले, ये तो बड़ा मजे का स्टार्ट हुआ। अब मैं फौजिया से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक राइटर का फेवरेट राइटर कौन है, और एक राइटर की फेवरेट बुक कौन सी है, या किस कैटेगरी की बुक्स जो हैं वो आपको फैसिनेट करती हैं? राइट, अच्छा, तो मुझे भी फिक्शन की जो सच बात है वो फैसिनेट करता है, और कोशिश ये कर रही हूँ फिलहाल, आई वांट टू कीप माय सेल्फ अवे फ्रॉम फिक्शन बिकॉज एक दफा उसके साथ मैं दोबारा कनेक्ट हो गई तो मैं कोई एकेडमिक काम करने जोगी रहूंगी नहीं। सो आई हैव दीज कैटेगरीज। ठीक, अगर बात की जाए फिक्शन की, तो मैंने कोविड के जमाने में इलिया सीतापुरी को बहुत पढ़ा है, हिस्टोरिकल फिक्शन पाकिस्तान में इतने बेहतर लिखता। फिर एक हैं शम्सुर रहमान फारूकी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त
जो है उनकी किताब है कई आसमान वो कई चांद थे आसमान पे, वो किताब अच्छी है हिस्टोरिकल फिक्शन के हवाले से। अगर आप बायोग्राफी की तो नेल्सन मंडेला की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये अच्छी है। फिर मेरे दो फेवरेट ऑथर्स हैं जो कि हैं तो नॉन फिक्शन लेकिन मेरे ख्याल में वो लिखते इतना अच्छा है कि दे वेरी पॉपुलर। एक है यूवल नोवा हरारी, आपने सुन रखा होगा नाम, जिन्होंने सेपियंस लिखी है और 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, और उसके अलावा जेरेड डायमंड है ऑफ द थर्ड चैंपियंसी। तो वो आप क्योंकि दोनों साइंसदान हैं तो हिस्ट्री को साइंस के साथ मिला के वो काम करते हैं, तो आई थिंक दे आर माय फेवरेट। ओके ओके वेरी इंटरेस्टिंग फिर इस बात से अभी मुझे एक मेरे माइंड में ये चीज क्लिक की कि सिंस आपने कहा कि आपको फिक्शन पढ़ना पसंद है और आप हिस्ट्री पे काम भी करती हैं, आप लिखती भी हैं और पढ़ती भी हैं, तो मैं एक चीकी क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि स्पेशली ये जो एक हमारे स्कूल्स की बुक्स को लेके, स्पेशली सोशल स्टडीज की बुक्स को लेके एक स्कैंडल चलता रहता है कि भाई हमको स्कूल में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बड़ी अजीबोगरीब सा ना अमेलगम है चीजों का, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी क्या ओपिनियन है कि आया ये जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं अप टू मैट्रिक लेवल, इसमें इस हिस्ट्री में कितना फिक्शन है? ये बड़ा अच्छा सवाल है और बट इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर तो मैंने इस एक सतह के ऊपर जवाब देना है तो मैं ये कहूंगी कि जी बायस्ड हिस्ट्री है जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है, जिसमें बता दिया गया है कि हम सारे मुसलमान हैं और जो कि बड़े अच्छे हैं, और जो उन इट्स लाइक मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम कर दिया गया, मुसलमान अच्छे हैं नॉन मुस्लिम बुरे थे। और फिर एक खास किस्म का डिटर्मिनिज्म भी है कि पाकिस्तान तो बनना ही था, और अचानक से ऊपर से एक खास किस्म की हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस डेवलप की जाती है क्वांटम लीप या हिस्टोरिकल जंप्स लेकर के। पहले हम सारे अरबी हो जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ, ऐसे लगता है हम सब सऊदिया, वो सऊदिया तो उस वक्त नहीं था, अरेबिया से सीधे लैंड किए थे इंडिया में। फिर उसके बाद सेकेंड हमें लगता है कि अचानक से हम शहाबुद्दीन गौरी के साथ घोड़े पे सवार होके सारे अफगानिस्तान से आ गए, या मैं इस किस्म की इमेजिनेशन हमें समझाई जाती है, या हम ये सेंट्रल हाँ मैं एग्री करती हूँ। मंगोल आ गए, लोकल डिस्कोर्स कहाँ गया, या अपने जमीन से मोहब्बत कहाँ गई, तो ये वाले सारे सवाल तो हैं। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम जब मैंने इसको कंटेंट को जरा सा क्रॉस चेक करना शुरू किया पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हिस्ट्री की 6th और 7th ग्रेड के अंदर जो है ना पाकिस्तान में मेडिवल हिस्ट्री नुमा कोई चीज बहुत ब्रीफली पढ़ाई जाती है, वो इतनी डीप होती है कि उसके अंदर कोई भी इन डेप्थ नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किए नहीं जा सकता, और वो इतनी अनइंस्पायरिंग होती है कि लोगों को लिटरली नहीं पता लगता कि वो और क्या है। उसमें ना फौजिया मुझे लगता है कि मतलब एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स या वैल्यूज पे फोकस करने की बजाय ना रेसिज्म को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई अगर काफ मतलब हिंदू बुरे हैं तो सभी को आप एक लाइन में लाइक खड़ा कर देते हो कि भाई सब बुरे हैं, मुसलमान अच्छे हैं सभी अच्छे हैं, मतलब ये एक। और फिर आई कैन सी कि अभी अब जब जैसे मैं लोगों से बात करती हूँ या आप मतलब अपनी पाकिस्तानी फेलोज को देख लें, कुलीग्स देख लें, फ्रेंड्स देख लें, तो क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है, ठीक है, उन्होंने बचपन से ही वो बुक पढ़ी है, बड़े होकर भी लाइक आप द मोमेंट यू गो इनटू सम सेंसिटिव यू नो डिस्कशन दे वुड से नहीं नहीं ये तो सब लोग ऐसे ही होते, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल यकीन करेंगे। आपको एक मैं फनी इंसिडेंट बताती हूँ, लास्ट ईयर की बात है, जब ये पेंडेमिक आया कोरोना, तो इट्स नॉट रेलिवेंट टू बुक्स बट लाइक द माइंड सेट ना कि वी वर लाइक के लाइक वरीड थे, अभी तो हमको पता है वैक्सीन आ गई है, कुछ होप्स हैं अभी इस वक्त दुनिया में, लेकिन लास्ट ईयर ये वैक्सीन वाला सीन भी नहीं था, तो ऐसी बात हो रही थी कि भाई उस वक्त पाकिस्तान में अभी पेंडेमिक के शायद सॉरी कोरोना वायरस के कुछ दो चार नए केसेस अभी आए थे, तो हम बात कर रहे थे कि भाई केसेस आ रहे हैं तो यू नो ऐसा ना हो कि हम भी खतरे में पड़ जाएं जैसे बाकी लोगों का हाल हो रहा है और बहुत ज्यादा।
तो समबडी रिप्लाइड टू मी लाइक वेरी एजुकेटेड पर्सन के इनशाला वी आर मुस्लिम्स और हमें COVID-19 नहीं होगा अलग अलग के फजल से। तो अभी आप देख लें, मतलब मैं ये नहीं कह रही बट आई वॉज नॉट एबल टू यू नो गेट इट अराउंड माई हेड के लाइक ये कैसे मतलब कैसे कहा जा सकता है। बट राधा आपकी बात से बहुत अच्छा ये पॉइंट निकलता है कि जिस चीज की शायद कमी है वो है टूल टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि आप अपनी सोसाइटी के को किस तरह से असेस कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लोगों को सिखाई जाती, यानी कि लोग ही नहीं सकते कि जो उनको कंस्ट्रक्शंस अस और देम की सिखाई जा रही हैं उससे बियॉन्ड कुछ है, उसके लिए उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग वाला टूल होना चाहिए ना, तो वो है। इसी तरह से जो फेथ है वो बहुत अच्छी चीज है, बट व्हाट यू आर सेइंग साबित तो यही होता है कि चीजें बहुत इरेशनल और एक खास साबित यही होता है कि COVID-19 का कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल तो उसको जहां जगह मिलती है वो चला जाता है। हाँ, चले बैक टू हमारा बुक डे। फौजिया ताहिर, आप बताएं आप क्या बताना चाहेंगे अपनी फेवरेट बुक या फेवरेट ऑथर के बारे में, और क्या पसंद है उस पर्टिकुलर ऑथर के बारे में? ये वाले जवाब बहुत बायस के साथ हेलो फौजिया जी, मैं यहाँ पर हूँ। फौजिया ताहिर की स्क्रीन फ्रीज है। हाँ चलें कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। फौजिया मेरा अगला सवाल ये था कि आपको भी आज अंदाजा तो होगा आजकल बुक्स हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही है। पहले हमारे घरों में भी किसी ना किसी कोने में एक अलमारी ऐसी होती थी जहाँ पे बुक्स होती थी, ऑफिस में भी बुक्स होती थी, अब देखने से नहीं मिलती वो चीजें। तो आप How, what do you think कि ये चीजें हमारी next generations को कैसे affect करेंगी, ये books का और reading की habit का हम लोगों की जिंदगी से बिल्कुल गायब हो जाना? क्योंकि पहले हमारे टाइम पे ये था कि बड़ों को देख के बच्चे सीखते थे। अभी मुझे याद है कि हमारे घर में newspaper was a regular thing कि भाई डैडी पढ़ रहे हैं, मामा पढ़ रही हैं, तो बच्चे को भी होता था कि मुझको मैं भी पढ़ूं, बच्चों का सफा आता था, छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं हम पढ़ते थे। फिर उसके अलावा मंथली जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे को फैसिलिटेट किया कि मुझे वो किड्स डाइजेस्ट जो था वो मस्ट आता था और पढ़ना ही होता था, और अगर किसी फ्रेंड का मिल गया उससे बोरो कर लिया। तो जैसे अब ये वो चीजें बिल्कुल चली गई हैं, आज की जनरेशन को पता ही नहीं है बुक पढ़ने के बारे में। तो आप का क्या ख्याल है कि ये चीजें हमारी अगली नस्ल के थिंकिंग प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करेंगी? राबिया बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, उसमें ये है कि एज अ हिस्टोरियन मैं आपको समझा देती हूँ कि किताबें कतई तौर पर ना तो कहीं जा रही हैं और ना ही कहीं गायब होने वाली हैं। किताबें बेसिकली इवॉल्व हो रही हैं। ये जो आप किताब आप देखते हैं ना, ये है कोडेक्स फॉर्मेट, ठीक है, जिसके अंदर सफ़े होते हैं और ये एक बाइंडिंग के साथ जुड़े होते हैं। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किताब कह किसको रहे हैं। क्या किताब एक सफ़ों का मजमुआ है जिसके साथ बाइंडिंग हुई है, क्या वो किताब है, या वो नॉलेज जो उसके ऊपर लिखी हुई है वो किताब है, ठीक है। अगर वो नॉलेज की बात कर रहे हो, क्योंकि डायलेमा तो ये होगा ना कि अगर लोग नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बहुत पुराना जमाना था, आप अगर एंशंट इजिप्ट में चले जाएं तो वो पपायरस के ऊपर लिखा करते थे, वो एक पौधे से बनती है, एक कागज नुमा एक चीज, लेकिन वो कागज नहीं होती, और स्क्रोल बना करते थे जो गोल करके वो नहीं होते स्क्रोल्स, ठीक है। जी तो जी जी, मैंने वो हिस्टोरियन ड्रामास और मूवीज में ही देखे जो मैसेजेस लिखने के लिए यूज होते हैं। रोल्स होते थे, पार्चमेंट्स होती थी, बोन के ऊपर लिखा जाता था, और इवन के जो मेसोपोटेमियंस थे वो पत्थर की सिलों पर भी लिख रहे थे।
ठीक है, ये जो कागज की इजाद है और कागज के साथ की किताब बाइंडिंग, ये कोडेक्स फॉर्मेट, ये बड़ा एक जदीद चीज है। और जैसे मैं और आप अपनी डायरीज लिखते हैं, एक जमाने तक तो लोग हाथ से लिखा करते थे, ये तो 15वीं सेंचुरी के मिडल में प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में, जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल सप्लाई किताबों की पूरी दुनिया में शुरू हो जाती है। ठीक है, अब वो जाहिर है कि कागज जो है वो भी एक महंगी चीज है, स्पेस भी आजकल अब कम से कम होती चली जा रही है, तो चीजें अब किताब दोबारा से इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ, किताब डिजिटाइज भी हो गई है, किताब बहुत अब क्योंकि जाहिर है कि हम हर चीज को डिजिटाइज करें तो इमेज इंटेंसिव भी हो गई है। ठीक, नॉलेज जो है वो अल्फाबेट्स के साथ हम एसोसिएट नहीं कर सकते, बहुत बहुत हिस्ट्री के अंदर लाइक फाइट लोग गुजरे हैं जो कि डिसलेक्सिक थे, वो पढ़ ही नहीं सकते थे ये अल्फाबेट्स। जैसे अकबर ने तस्वीरी किताबें बनवाई हुई थी क्योंकि वो अल्फाबेट नहीं पढ़ता था, और फिर वो लोगों को बिठा के उनके डिस्कशन सुनता था। सो हमारी कमिटमेंट तो नॉलेज के साथ है, और जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके लिए हो सकता है वर्चुअल रियलिटी में किताबें चली जाएं, हो सकता है कि किताबें, लेट सपोज कि और सेवरल चीजें, ऑडियो बुक्स तो अभी भी चल रही हैं, ठीक, गेम्स हैं वो आपकी सिमुलेशन रन होती रहती हैं। इनफैक्ट जब मैं अपनी किताब लिख रही थी तो मुझे किस चीज ने फायदा दिया, वो एक आप लोगों ने शायद देखी हो, एक गेम ऑफ थ्रो, वो नहीं गेम ऑफ, क्या कहते हैं, एज ऑफ एम्पायर, एक वीडियो गेम है, एज ऑफ अच्छा एम्पायर के अंदर जो है ना वो सारे वो मेडिवल आप कह लें कि वॉरफेयर के टेक्टिक्स आप वो खेल सकते हैं। एक तरह से मैं सिचुएशन जो थी अपने थीसिस के जो वॉर्स वगैरह की बाज़ औकात वहां पे लगा के और खेल भी लेती थी, सो इट वाज गुड फन। तो मैंने तो इस तरीके से भी काम किया हुआ है, सो आई फील कि अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है चीजें एनिमेट होंगी, एंड आई रियली लाइक डॉक्यूमेंट्रीज, और मैं चीजों को पिक्टोरियल फॉर्म में एक्सपीरियंस करना पसंद करती हूँ, बिकॉज ये जो एकेडमिक बुक्स हैं दे आर एक्सट्रीमली बोरिंग। मैं भी आई एम अ फिक्शन पर्सन, सो जब तक मुझे कुछ नजर नहीं आती मैं उसको देख नहीं सकती, किसी जमाने के ऊपर मैं काम कर रही हूँ उस जमाने का म्यूजिक मैं सुन नहीं सकती, उस जमाने की लाइफ को मैं रिक्रिएट नहीं कर सकती, मैं उसके बारे में लिख नहीं सकती। हाँ, डेफिनेटली ये जो डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी ने हमें जो विजुअल और ऑडियो एड्स प्रोवाइड की हैं, उससे आपका वो इमेजिनेशन लेवल जो है वो एक स्टेप एक लेवल ऊपर चला गया है। कि पहले आप बुक खोलते थे, जो भी पेज पे लिखा है आप उसको अपने हेड में इमेजिन कर रहे हो, कि अगर कोई जगह बताई गई है, अगर किसी इंसान को डिस्क्राइब किया गया है, तो इट्स अप टू योर इमेजिनेशन कि आप उसको कैसा देखते हो। अब उसको ये है कि सिंस मूवीज बनती हैं, स्पेशली आई एम रियली इंटरेस्टेड इन मूवीज जो बुक्स पे बेस्ड होती हैं। सो ऑक्सफोर्ड के टाइम पे व्हेन आई हैव फ्री टाइम, तो ये एक तरह का मेरा शुगल होता था कि पहले तो मैं बुक पढ़ती थी। अगर मुझे पता चलता था कि किसी बुक पे बेस्ड मूवी आई है, तो पहले मैं बुक पढ़ती थी और फिर मैं मूवी देखती थी और फिर मैं उसको कंपेयर करती थी कि अच्छा, अगर मैं इस मूवी को बनाती, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी है, तो फिर मैं ये ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं करती। तो वो एक ना बड़े मजे का माइंड गेम होता था मेरे लिए। तो बिल्कुल लेकिन पर्सनली बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल आई वुड से, मैं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि क्योंकि हम अब लैपटॉप पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने ऑफिस में, घर में टीवी है, फिर सेलफोन तो हर वक्त चलता रहता है, तो आई एम काइंड ऑफ कि अब मैं मुझे ना स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से थोड़ा ना अब मैं डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती हूँ, और मैं लाइक ग्रेजुअली कर भी रही हूँ। तो उसके लिए फिर मुझे फिजिकल फॉर्म ऑफ जो बुक है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। कि भाई मैं रात को सोने से पहले बैठूं अपने बेड पे और लाइक सोने से पहले थोड़ी बुक पढ़ूं, ताकि वो जो मेरी आंखें और दिमाग मुसलसल वो वेव्स ले रहा है स्क्रीन की, वो ना हो। तो उसमें एक ये भी एंगल है। तो आप क्या प्रेफर करती हैं, अगर लाइक जैसे आपने कहा कि अभी आपने वैसे बताया कि आपको विजुअल चीजें देखना ज्यादा पसंद है पढ़ने के कंपैरिजन में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि फिजिकल जो बुक है कागज वाली किताब उसके साथ जो आपका कनेक्शन डेवलप होता है, तो आई फील द सेम जैसे आप महसूस करते हो, बट फिक्शन वाली किताबों का ये है कि वो पाकिस्तान में मिल जाती है, तो
इसलिए वो आप पढ़ सकते हो. जब बात आती है एकेडमिक बुक्स की, तो वो वे वेरी लकी कि अब हम ऐसे जमाने में हैं कि हमें ई बुक्स मिल जाती हैं, ये ई हाँ वर्जन अवेलेबल हो गए हैं. अदरवाइज तो रिसर्च पॉसिबल नहीं थी. सो मैं ई बुक्स को एक ब्लेसिंग समझती हूँ, लेकिन जो किताब हाथ में आ जाए उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है. बिल्कुल फौजिया, आप अब क्योंकि फौजिया ताहिर आप वापस आई हैं, तो हम आपसे वो जो क्वेश्चन मैंने किया था गया, तो उसके जवाब के लिए हम बेताब हैं कि आपका फेवरेट राइटर कौन है। मेरे पास ना सोचने के लिए वक्त भी था, मगर उसके बावजूद ना मेरे जवाब में कोई फर्क आया और ना मैंने लफ्जों के चुनाव में आई थिंक अब कोई जस्टिस करने लगी हूँ. विद अ कंप्लीट बायस आई एम गोइंग टू से एलिफ शफक, और उसकी वजह यह है कि उनसे मेरी मुलाकात हुई है. और बहुत बार आई थिंक ऐसा होता है कि आपने ऑथर्स को पढ़ा होता है और बहुत अच्छे ऑथर्स को पढ़ा होता है, और फिर कभी कभार आप उनके बारे में उन एज अ पर्सन उनके बारे में सुनते हैं, उनको देखते हैं, और आपको वो इंस्पिरेशन नहीं रहती. जाहिर है हर स्टेज पे मैंने कई लोगों को पढ़ा और उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा और उनको एडमायर किया, लेकिन आई थिंक क्योंकि एलिफ की मैंने बुक पढ़ी, फिर मैं उससे मिली और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जितनी ब्रिलियंट वो राइटर है उससे कहीं साफ, कहीं खूबसूरत, कहीं ज़्यादा काइंड और कहीं ज्यादा एम्पथेटिक वो खातून है. कि आप इमेजिन करें राबिया, कि मैं सवाल उनसे मैंने पूछा है, आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, वी नो कि जब जरा सी भी हमें शोहरत मिलती है तो हमें अपना साथ वाला बंदा नजर नहीं आने लगता, या हमें मतलब कहाँ ऑडियंस में से कोई बंदा याद रहता है कि उसने क्या कहा होगा. हम तो जिनको जानते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं. बिल्कुल जब मैं उनके साथ उस पर्टिकुलर सेशन में, जिसमें ऑक्सफोर्ड में मैं मिली थी, वो राइटिंग से रिलेटेड एक सेशन था, तो उनमें उन क्योंकि उन दिनों मुझे बड़ा शौक था, थीसिस भी लिख रही थी, पर वैसे भी मुझे लगता था मुझे किताब भी लिखनी चाहिए, कोई फिक्शन लिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए. तो उनसे कुछ सवाल मैंने पूछे थे उनकी राइटिंग स्टाइल पे और फिर खुद मैं जो लिखना चाह रही हूँ उसके बारे में. और जब मैं उनके पास तस्वीर खिंचवाने गई तो शी सेड वेरी नाइस क्वेश्चंस बाय द वे, एंड आई डोंट थिंक आई विल हाँ एवर एवर फॉरगेट दैट दैट शी हाँ रिमेम्बर्ड मी एज एन ऑडियंस एंड शी रिमेम्बर्ड माई क्वेश्चन एंड शी केयर्ड इनाफ टू सिट एंड कॉम्प्लीमेंट मी. जब मैंने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई तो मैंने कहा सॉरी मुझे पता नहीं था आप बोल रही हैं, सेंटेंस में आई हुई थी और आप पता है इंजीनियरिंग साइंस में बैठती थी, तो बाई चांस मैं वहां गई थी. और रिसेंटली मैंने उनकी द बास्टर्ड ऑफ इस्तंबुल पढ़ी थी, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था. तो आई थिंक अभी भी मैं उनकी क्योंकि देखती रहती हूँ व्यू पॉइंट्स हर चीज के हाँ बारे में, तो जितना फ्लूइड फ्लेक्सिबल और खूबसूरत उनका थॉट प्रोसेस है, आई थिंक आई विल से आई विल स्टिक विद एलिफ शफ़क. या एलिफ शफक, आपने मुझे याद कराया, मैंने भी एलिफ शफक की, इनफैक्ट आई थिंक आई टॉक टू यू एंड यू मेंशन्ड, एंड उसके बाद ही मैंने उसकी वो 40 रूल्स ऑफ लव और ये पढ़ी बास्टर्ड ऑफ इस्तंबुल। फिर मैं आई थिंक जिस राइटर की बुक्स मैंने अपने जेब से पैसे दे के पढ़ी है ना, वो एलिफ शफक है। बाकी जो पढ़ा बहुत है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स मैंने फ्री की पढ़ी है, फ्रेंड से ले ली, लाइब्रेरी से ले ली, पढ़ के वापस कर दी। लेकिन एलिफ शफक आपको शायद याद हो फौजिया, मे बी आप दोनों, आई थिंक यू बोथ हैव बीन टू लाहौर एंड अनारकली, राइट? तो वहां पे वो अनारकली के पीछे आपको पता है ना एक गली है, और वहां पे वो बुक्स लेके, सेकंड हैंड बुक्स लेके बैठे होते हैं ठेलों पे। लाइक वो मेरी फेवरेट प्लेस थी बुक लेने के लिए, क्योंकि आपको हाफ प्राइस पे जो भी फिक्शन पढ़ना है, जो भी लाइक स्पेशली एलिफ शफक की बुक्स, मैंने सब वहीं से, मुझे लाइक इट वॉज पार्ट ऑफ माई शॉपिंग, कि अगर मैं नारकली जा रही हूँ तो मैंने वहां से बुक लाजमी ले ली है। तो यस, एलिफ एलिफ एक्चुअली शी टचेस वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स आई वुड से, जिसमें अभी लाइक मेरी आई थिंक हम लोगों की अभी वो स्टेज नहीं आई कि हम उस बारे में बात भी कर सकें जिसपे वो लिखती हैं। और स्पेशली फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, इट्स अ वेरी, आई वुड से शी इज वेरी ब्रेव इन हर राइटिंग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अपने बारे में तो हम तीनों ने बात करी कि हमने बुक्स पढ़ी, क्या पढ़ी, क्या अच्छा लगा, किसने इंस्पायर किया। अब फौजिया से, क्योंकि फौजिया यू आर आल्सो, यू बोथ टीच एंड यंग जनरेशन, आज की जनरेशन, आपका दोनों का इंटरेक्शन मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मैं एक लैब का कीड़ा हूँ, मेरा स्टूडेंट्स को देखती तो हूँ लेकिन इतना उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता। बट यू गाइस टीच,
तो आप लोग कैसे देखती हैं कि आप मतलब आजकल की जो जनरेशन जो जिसका माइंड अभी डेवलप हो रहा है उसमें हम लव ऑफ बुक जो है वो कैसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि फौजिया फारूक ने भी बात की कि भाई अब डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, ई बुक्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो एंगल भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो मतलब क्या मोटिवेट कर सकता है हमारी आज की जनरेशन को कि वो वापस आए नॉलेज की तरफ। सो फौजिया फारूक या फौजिया ताहिर? आप गेस्ट हैं आज, आप पहले आपको प्रिविलेज है। आपको गेस्ट होने का प्रिविलेज आई थिंक. हाँ बिल्कुल, यू गो फर्स्ट। थैंक यू सो मच. और तो उसमें यह है कि जहाँ तक बुक रीडिंग कल्चर का ताल्लुक है तो पाकिस्तान जैसे माशरे की बात जब की जाए तो मेरे ख्याल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स वहाँ पर बच्चों को जो है ये बताना जरूरी है कि भाई आपने किताब पढ़नी है. देखिए बच्चे मुख्तलिफ जो है ना सोशल क्लासेस से आते हैं, आप घर वालों को बाइंड नहीं कर सकते. जाहिर है कि पेरेंट्स हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों ने एक किताब भी नहीं पढ़ी लेकिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है. सो किताब, और हमारा मीडिया भी दिखाता है कि किताब पढ़ने वाले बंदे ने बड़ा अनग्लैमरस और एक नर्डी टाइप की एक वो शख्सियत दिखाते हैं जिसने जिंदगी में और तो कुछ करना नहीं होता, एक लूजर सा होता है जो किताब पकड़ के बैठा होता है. सो मीडिया भी एक बुक लवर को बहुत ही पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नेगेटिव किस्म का वो दिखाती है कि बुक वॉर्म सिंगल का वर्ड यूज करते हैं, बुक लवर का नहीं। बिल्कुल बुक वॉर्म है. इसी तरह से घर, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस हैं, लोग कुछ खानदानों में ऑब्वियसली किताब पढ़ने को पसंद किया जाता है लेकिन हर जगह नहीं हो सकता. सो मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स के अंदर ये चीज हो सकती है. जैसे आई रिमेम्बर कि जब मैं अपने स्कूल में थी तो हमारे बहुत सख्ती होती थी स्कूल में, इतनी शदीद आप कहने कहर आलूद किस्म की मैडम्स होती थी जो कि किसी से भी बात नहीं करने देती थी और हर वक्त पढ़ाती रहती थी, पता नहीं वो हमें क्या बनाना चाहती थी. तो उसके अंदर एक साइग ऑफ रिलीफ होता था, एक लाइब्रेरी का पीरियड होता था जिसके अंदर हम एक दूसरे से भी बात कर सकते थे, बड़ी खूबसूरत साफ सुथरी लाइब्रेरी, और वो कहते थे कोई भी किताब पढ़ ले. और मेरे लिए सबसे मजेदार बात ये थी, मैंने कहा ये स्टोरी बुक है ये मैं पढ़ लूं, आप पढ़ने देंगे मुझे? उन्होंने कहा हाँ तो पढ़ लो, स्टोरी बुक भी पढ़ लो. सो इतनी मुझे लगता है कि वो चीज है. उसके बाद से आई यूज टू वेट फॉर द एंटायर वीक कि जी कब लाइब्रेरी पीरियड होगा और कब इन मैडम से जान छूटेगी. सो आई फील कि स्कूल्स के अंदर रेगुलर जो लाइब्रेरी पीरियड्स हैं वो स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं. ऊपर से अगर लाइब्रेरी ज्यादा होंगी, लाइब्रेरी गोइंग कल्चर एक बने, लाइब्रेरी जाना किताब पढ़ने को, अगर हमारा मीडिया भी किसी तरह से कूल बना दे तो लोग जैसे मुख्तलिफ पेशों को रोमांटिसाइज कर लेते हैं जैसे डॉक्टरी को और जर्नलिज्म को, क्योंकि मीडिया पे दिखाया जाता है कि बड़े जबरदस्त लोग होते हैं. इसी तरह से अगर वो ये आपका दिख तो YouTube चैनल और वो बड़ा कूल है ना कि आपका YouTube चैनल हो, तो उस तरह से उस लेवल पे अगर लेकर आए किसी तरह से तो शायद। बिल्कुल बुक लवर्स को अगर ग्लैमराइज कर दे हमारा मीडिया तो मेरा ख्याल है उससे भी कुछ हो सकता है. सही, क्या ख्याल है जबरदस्त आपको? पॉइंट। आई थिंक अब एक तो जनरेशन चेंज भी हो रही है ना फौजिया थोड़ी, तो आई थिंक अब जैसे मेरा नेफ्यू है मज्जू, ही रीड्स अ लॉट, और उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट क्रेडिट मैं अपने भाई मतलब अपने कज़न को भी देती हूँ और भाभी को भी देती हूँ कि वो उसको, और ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई बहुत फैंसी किताबें लेके देते हैं, वो भी यूज किताबें जो मिल रही होती हैं कम दाम में, वो हर वक्त उसके लिए वो एक वैरायटी घर में क्रिएट होती है, एंड आई कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस उसका और उसके इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं उनकी वोकैबुलरी, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी, तो वो इतना डिफरेंस, इतना रिमार्केबल डिफरेंस है सिर्फ इसलिए मेरे ख्याल में कि एक तो बाय नेचर भी ही सुपर सेंसिटिव, पर वो पढ़ता बहुत है और वो उन उन हर कैरेक्टर के बारे में सोचता बहुत है, तो आई थिंक आज की जनरेशन के लिए पेरेंट्स का वो एम्बलम होना, क्योंकि एक तो ये भी मसला हो गया ना राबिया कि एक्सेस बहुत ज्यादा हो गई है, हमारे पास नहीं थी ना तो हम मांगते थे, बोरो करते थे, इशू करते थे,
और वही बात है, जैसे मैं हैरी पॉटर लोगों को लेंट करती थी तो मुझे लगता था पता नहीं मैं प्रिंसेस हूँ टाउन की, क्योंकि मेरे पास हैरी पॉटर है, मैं सबको दे रही हूँ. तो वो ना होना एक क्रेविंग क्रिएट करता था. और आप ढूंढते थे, आप सर्च करते थे, आप मांगते थे, आप दोस्त बनाते थे, आप लेंड करते थे, आप वापस लेते थे. तो वो एक गिव एंड टेक का बड़ा खूबसूरत कल्चर था, जिसमें फिर आप एक दूसरे से पूछते थे, रेकमेंड करते थे. अब तो इतना कुछ प्लेट पे उनको मिलता है कि आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्रेविंग इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी द सेम. पर फिर फौजिया वाली बात इज ऑल्सो, वो भी अप्लाई करती है कि अब नॉलेज के मीडियम्स बहुत ज्यादा हो गए ना, नॉलेज की फॉर्म्स बहुत ज्यादा हो गई हैं अब लेकिन कहीं. क्या वो इसमें फिर ये बात आ जाती है कि क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग को नरिश करती है या नहीं? असल में मुझे लगता है एक खास हद तक ये जनरेशन हमसे ज्यादा सवाल पूछती है. तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग हम सिर्फ और सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि यू नो द एबिलिटी टू क्वेश्चन, तो इस जनरेशन का टॉलरेंस लेवल हमसे, मतलब अब आने वाली जो जनरेशन है उनका टॉलरेंस लेवल हमसे कम है. उनके पास एक्सेस इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा है. उनके पास, आप सोचें, हम बहुत बड़े हो गए थे तब भी जिंदगी के बेसिक प्रोसेसेस हमें नहीं पता होते थे, रिलेशनशिप के, सेक्स के बेसिक प्रोसेसेस हमें नहीं पता होते थे. हमने बहुत सारी चीज़ें किताबों में, अब आपको मैं बात बताती हूँ. सेकेंड ईयर में मेरी बायोलॉजी की टीचर ने रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमें नहीं पढ़ाया. आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बुक सेम जाके पढ़ूंगी, ठीक है, सेम जी जी चैप्टर ही नहीं पढ़ाया, ठीक है. कुदरती हाँ, प्रोसेस है, नेचुरल अभी प्रोसेस है, पढ़ अल्लाह लेना ने घर पे बनाया है. जाके। पर टीचर को लगा कि नहीं, ये गिलगित के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा रही. अब प्री मेडिकल की स्टूडेंट गिलगित में हो, लोग नहीं रहते, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बाय चांस, तो पढ़ाया ही नहीं ना. तो अब एक और बात है, अब हमने खुद पढ़ा क्योंकि एग्जाम तो पास करना था, बोर्ड के एग्जाम्स थे, और जाहिर है कि खुद ही इमेजिन करके पढ़ा. तो आप उस एज लेवल पे भी आप चीजें, बिल्कुल वही बात है कि आप हैरी पॉटर जब पढ़ रहे हैं और चीजें गैस हो रही हैं कि शायद कैसल ऐसा दिखता होगा, या एनिड ब्लाइटन की स्टोरीज के हॉस्टल्स लड़कियों के इस तरह दिखते होंगे और ऐसे उनकी स्पोर्ट्स फील्ड होंगी, उस तरह हमने मतलब दर्सी किताबें पढ़ी हैं राबिया. तो अब एक तो वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल बुक्स वर्सेस बुक्स दैट वी शुड रीड आउटसाइड, डिजायर आई थिंक हमारे टाइम पे ज्यादा थी, एक्सेस इस जनरेशन को ज्यादा है. और शायद उस वजह से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ भी रहे होंगे मार्केट में और हमसे बहुत बेहतर भी आ रहे होंगे, लेकिन आई थिंक ओवरऑल वो, अगर आपको लगता है ना कि जैसे हम वो दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव, पर जनरलाइज नहीं करना चाहिए. आई थिंक बहुत अच्छे भी बच्चे हैं, और बहुत, जैसे मैं मीडियम से कह रही थी ना कि बहुत सारे लोग जाके नेचर से या विल्डरनेस से बहुत सारी चीजें डिराइव करते हैं, आइडियाज इंस्पायर करते हैं. अब आजकल के दौर के आइंस्टाइन है, जैसे अब लोगों ने विंड मिल्स बनाई हैं जो परिंदों की तरह है जिनके पर, तो नेचर से इंस्पायर होके लोग अब इनोवेशन कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें, मत आई थिंक थोड़ा रोम उस तरह से देना चाहिए, पर ये कि इन टर्म्स ऑफ क्रेविंग एंड डिजायर आई थिंक आवर जनरेशन इज स्लाइटली डिफरेंट देन द करंट वन दैट्स ग्रोइंग. यहाँ पे एक जो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस मैं फील करती हूँ ना पर्सनली, वो ये है कि अगेन ऐसा लग रहा है कि आज मैं बुक के हक में हूँ लेकिन फिर भी आई प्रेफर रीडिंग अ बुक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बुक रीडर्स है ना उनका अटेंशन स्पैन अच्छा था। बुक पढ़ने से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है जब आप यू क्विकली वॉच अ वीडियो ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और वो एक टिक 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 पे लाइफ चल रही है ना, आप किसी चीज पे फोकस बैठ के उसके बारे में 10-15 मिनट सोचना, उसको असेस करना, उसके बारे में एक ओपिनियन, वो जो अटेंशन स्पैन है, वो जो सबर चाहिए ना उसके लिए, वो मुझे नहीं नजर आता अब क्योंकि। लेकिन जो बुक अगर आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे भी बीच में कुछ अरसा था जब मैंने बहुत बुक्स, क्योंकि स्टडीज का इतना लोड था कि एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं होता था, लेकिन उसमें ये लगता है मेरे मुझे कि फिर मेरा ना वो अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया। जैसे एक पार्क में आप जाते हो एक बुक के साथ, 1 घंटा वहां बैठ के आपने 2-3 चैप्टर पढ़े, कुछ उसको इंजॉय किया, उसकी उसकी वाइब को, फिर कुछ सोचा या क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन का ना अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत ही कम है, और टॉलरेंस लेवल भी इसीलिए कम है क्योंकि उनके पास किसी चीज को अब्जॉर्ब करना, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो ना तो आप उसको थोड़ा अब्जॉर्ब करते हो साथ साथ, वो वाली चीज
लाइक पर्सनली मुझे लगता है कि मिसिंग है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, सब कुछ है, पर आपका रिएक्शन जो है वो उतना शायद रिच नहीं है. मुझे स्टिल आई वुड से कि बुक बुक का एक्सपीरियंस है वो मुझे ज्यादा एनरिचिंग लगता है. नावे, मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि मैं भी वैसे किताब मुझे फिजिकल फॉर्म में ही चाहिए. मैं किंडल बंदा नहीं हूँ, मैं ई बुक्स नहीं पढ़ती, मुझे सिर्फ हाँ, रिसर्च पेपर्स और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, इंग्लैंड में लोग बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बुक ई बुक पढ़ रहे हैं. मुझे तो सर चकराना मेरा शुरू हो मोबाइल गया, पता फोन नहीं जाता है, कैसे मुझे भी पढ़ते. किताब किताब चाहिए होती है. हाँ, किताब और किताब एकदम इस से थी. यार मुझे एकदम से याद आया, आई शुड हैव मिस्ड मोहम्मद हनीफ. मैंने अपना इंटरनेशनल फेवरेट ऑथर तो बता दिया. रिसेंटली अलोंग द पेंडेमिक और उसके पहले भी कुछ किताबें मैंने मोहम्मद हनीफ की पढ़ी थी, जो कि माय नेशनल ऑथर है. आई थिंक उनका स्टाइल भी एक्सेप्शनल है, वो जो उनका तरीका है लिखने का. रेड बर्ड्स मैंने पहले पढ़ी थी, फिर एलिस बटी पढ़ी थी. आई थिंक ही इज ऑल्सो एक्सेप्शनल, सो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्नॉलेज के वो भी मुझे बहुत पसंद है. हाँ नेशनल हाँ ओके ओके, बहुत बहुत जबरदस्त लिखते हैं. अब हमने जिस काम के लिए अपने गेस्ट को बुलाया है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए भी, और अभी तक डिस्कशन को इतना एंगेजिंग रखने के लिए, और हमें एजुकेट करने के लिए, और हमारे फॉलोअर्स को एजुकेट करने के लिए. फर्ज़ा, आपने पहली बात तो ये कि आपने ये किताब जब लिखी, कंसेप्चुलाइज कैसे की, आपने भी बताया कि आप गेम्स भी आपने देखी, आपने कैसे खुद को इंगेज रखा, कैसे अपना एड्रेनलिन रश बढ़ाया ताकि आप लिखती रहें, फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक कैसे चूज किया, उसकी आउटलाइन कैसे चूज की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है. मैं अभी एक बुक चैप्टर लिख रही हूँ और मैं पिछले 1 महीने से उसके लिए रिसर्च कर रही हूँ, और रिसर्च का मवाद बढ़े जा रहा है और अभी तक मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा. तो वो सारा प्रोसेस कैसे आपने एक पूरी किताब लिखने के लिए, और वो भी इतनी आसान किताब नहीं, मतलब उसमें हिस्ट्री आप मजाक नहीं कर सकते, कैसे ये सारा कॉन्सेप्चुलाइज किया और कैसे फ्रूशन तक उसको कंप्लीट किया? एक्चुअली किताब का जब हम टॉपिक चुन रहे होते हैं तो जरूरी होता है कि वो हमें बहुत पसंद हो, क्योंकि फिर लंबा अरसा उसी टॉपिक के साथ चलना होता है. तो अगर वो चीज़ पसंद ना हो तो फिर किताब कंप्लीट नहीं होती. सो आई वाज क्वाइट लकी इन अ सेंस कि मैंने जब शुरू की थी हिस्ट्री, तो वो इसलिए की थी कि मैं एक हिस्टोरिकल ड्रामा लिखना चाहती थी, और वो भी मेडिवल इंडिया के ऊपर. सो मैं एक तो ड्रामास पहले कर चुकी थी, लिख चुकी थी, और अब मेरा इरादा था कोई लंबा ड्रामा लिखने का और एक हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने का. सो फिक्शन वाज माय थिंग. बट जब मैं यहाँ पीएचडी एमफिल में आई तो पता लगा कि जी अब तो आपको सीरियस एकेडमिक काम करना है. तो मेरी एक टीचर हैं डॉक्टर तन्वी रंजन, तो उन्होंने मुझे हेल्प की. उन्होंने मेरा इंटरेस्ट जो था वो डेवलप किया इनटू मेडिवल स्लेवरी. उन्होंने कुछ सवाल मुझे डायरेक्ट करना शुरू किया काम, और जैसे जैसे मैं उस चीज को पढ़ती गई, तो सिंस आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्लासेस क्या होती हैं, लोग सोशल ग्रुप्स किस तरह से सोसाइटी के अंदर अपने राइट्स के लिए काम करते हैं, तो वहां से बात शुरू हुई थी. एम्फिल का थीसिस पे मैंने स्लेवरी पर किया, मेडिवल स्लेवरी पर. फिर उसी की एक्सटेंशन मुझे लगा एक सवाल था मेरे जहन में, वो ये कि बादशाह तो बड़ी एलैबोरेट मेडिवल टाइम्स एंड पॉलिसीज बनाते थे, लेकिन जाहिर है मींस ऑफ कम्युनिकेशन तो उस तरह होते नहीं थे. तो आम को पता होता था, जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं भी थे, कि बादशाह इतनी चालाक किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं, तो रूलर और रूल्ड का जो आपस में कनेक्शन है उसको मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्लेवरी से बदल कर उधर चला गया. बेसिकली अवाम या आम लोग क्या सोचते हैं, ये सवाल था. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसी जगह के ऊपर जहाँ पर हर वक्त आम इंसान किसी प्रॉब्लम में ही होता है, और हम मुझे लगता है कि एक आम इंसान होने के नाते कभी कभार इंसान अपने आप को इमेजिन कर रहा होता है इनटू सिचुएशंस. सो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया. प्रोसेस ये था कि किताब लिखने के लिए, एकेडमिक किताब लिखने के लिए, बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का लिटरेचर रिव्यू चाहिए होता है, और वो करना पड़ा. उसके बाद जाहिर है कि राइट अप वाला स्टेज आ गया. हिस्टोरिकल जो आप
किताबें लिख रहे होते हैं वो यूजुअली लाइब्रेरी रिसर्च होती है. सो उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आइडेंटिफाई करके यू ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट. आपको एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल उससे सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं और आप उनके जवाब दे रहे होते हैं. सो वन थिंग लीड्स टू अनदर. और कोई ऐसा सिनेरियो जो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होता, आप ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट करके देते हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. तो मेडिवल पास्ट के मुतालिक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था वो वही वाला था जो आप लोगों ने डिस्कशन में पूछा. इस स्टेट का नैरेटिव तो एक बड़ा सिंपल सा होता है और वो ऑब्वियसली एजेंडा ओरिएंटेड होता है, तो उसमें किस हद तक सच्चाई होती है. तो वहां से ही बात शुरू हुई थी मेरी भी, क्योंकि मेडिवल जो हमारा पास्ट है पाकिस्तानियों के लिए वो तो ऐसे लगता है कोई गोल्डन ईरा था जिस वक्त ऐसे लगता है मनोसलवा उतर रहा था. सो जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो मुझे पता लगा कि ये जो इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स. ना तो आप उसके फोर जा सकते हैं ना उसके अगेंस्ट जा सकते हैं. रियलिटी इज वेरी रियलिटी का मतलब रियलिटी भी सब्जेक्टिव है फ्रेंकली, और फाइनल रियलिटी तो किसी को भी नहीं अल्टीमेट पता लग सकती. लेकिन जो उस मटीरियल से जवाब निकल रहे थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स थे. सो आई थिंक दे केप्ट मी एंगेज्ड और फिर उसकी वजह से आई वॉज एबल टू राइट. आखिरी दिन तक क्यूरियोसिटी. और आपने एक बात जो छेड़ी उसका और जो राबिया ने पहले सवाल किया तो उससे रिलेटेड कि इतना शानदार वही कि इतनी रोजी पिक्चर, क्या आपको लगता है कि बस दूध की नहरें बह रही होंगी, इससे ज़्यादा साफ शफाफ पानी तो होता नहीं होगा. इतनी खूबसूरती, इतने फल फ्रूट, ऐसे वो महल और यू नो ऑल द वर्क फोर्स बिहाइंड इट. पर जब जवाल आता है तो इतना ठक करके ट्रेजिक होता है कि आप थ्रू आउट एक बहुत रोजी तस्वीर पढ़ के और फिर उस एंड का कोई खास उसको आपने इतना फिक्शनलाइज नहीं किया होता जितना आपने जो रूलिंग पीरियड है उसको किया होता है. तो इसी से रिलेटेड दो सवाल हैं मेरे आपसे. एक तो ये कि आप कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या इस उरूज का और जवाल का जो साइकिल था ये कैसे कम्प्लीट हुआ, और दूसरा ये कि अगर आप कुछ चीज़ें उसमें से बदल सकते हैं, अगर आप फिक्शन लिख रही होती और हिस्ट्री ना लिख रही होती तो क्या चीजें वैसी हैं जो आप उसमें से तब्दील करती हैं और उसको एक अपनी कहानी बनाती. ठीक. अच्छा, पहला सवाल जो है वो इस तरह से है कि बहुत रोजी पिक्चर दी जाती है अरूज की जिसमें सब कुछ ठीक हो रहा होता है. हमारे बादशाह जो होते हैं वो जहाँ जा रहे होते हैं फतुहात कर रहे होते हैं, महल बना रहे होते हैं, किले बना रहे होते हैं, जगह जगह से टैक्सेस आ रहे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा होता है. अचानक से बादशाह मर जाता है और फिर जो इंटरएग्नम पीरियड होता है जिसमें उसके नालायक जानशीन आ जाते हैं. तो हमें लगता है ये नालायक जानशीन इतने डंप थे कि सिंपल सी बात थी कि वो एफिशिएंट रहते और जैसा कि उनके बाप दादा ने किया था वैसे ही करते तो सब कुछ ठीक रहता. तो ये नालायक जानशीन इतने नालायक क्यों हैं? तो मुझे जब मैं ये काम कर रही थी तो मुझे समझ में आई कि हम अपनी आसानी के लिए बाइनरीज क्रिएट कर लेते हैं. एक तो हम जिस पास्ट को इमेजिन करते हैं वो बड़ा यूटोपियन पास्ट है और वो पाकिस्तान में रहते हुए हमें जो मेडिवल मुस्लिम रूल है उसको एक आइडियल गोल्डन पीरियड दिखाना ही होता है, क्योंकि वो एक तरह से उस चीज़ से हमारी स्टेट अपनी लेजिटिमेसी ड्राइव कर रही होती है कि यू नो. और फिर बहुत सारे शायर भी हैं जिन्होंने रोमांटिसाइज किया. इकबाल बड़े मेरे फेवरेट हैं, लेकिन ये इस किस्म की बातें कि वो जमाने में मुअज्जिज थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर, यानी ये बड़े जबरदस्त सिंपल बातें हैं ना. तो जनाब ये पता लगता है. हालांकि अगर आप जिस टाइम पीरियड को अरूज का टाइम पीरियड कह रहे होते हैं और जिन पर्टिकुलर रूलर्स को आप कह रहे होते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी है, तो उनके भी लाइफ जो होती है या रेगुलर ईयर्स की हम बात कर लें जिस टाइम पर वो हुकूमत कर रहे होते हैं वो काफ़ी फुल ऑफ स्ट्रगल्स होती है. ठीक है. और अवाम बाज़ोकात वो बड़ा आप समझ लें कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मिजरेबल होते हैं, उस ज़माने में कहत भी आ रहे होते हैं, उस ज़माने में और दूसरी बीमारियां फूट रही होती हैं, वबाएं चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको गोल्डन पीरियड भी कह रहे होते हैं. फिर जब इंटरएग्नम का पीरियड आता है कि जी एक बादशाह है उसकी नोबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, नालायक जानशीन, तो एक तो वो नालायक इतने नालायक नहीं होते, उनसे बाज़ोकात चीज़ें वैसे भी नहीं संभल पाती क्योंकि
जो स्टेट एपरेटस है वो खुद इतना ऑटोमेटेड हो गया होता है कि उनसे चीजें नहीं संभल रही होती, तो वो चीजें इतनी आसान नहीं होती. जब तक आप पास्ट को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते तो आप उसकी जो नुआंसेज है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सो जब हमें ओवर सिंप्लीफाई करना होता है तो हम ये दिखाते हैं कि एक गोल्डन पीरियड और एक डार्क पीरियड, ये बाइनरी क्रिएट कर रहे थे, फिर अच्छे रूलर और बुरे रूलर, एफिशिएंट रूलर और नालायक रूलर. इसीलिए हमें ये अचानक से ये सब कुछ इस तरह से नजर आता है. अच्छा, जहां तक बात है कि पास्ट में जाकर अगर मैंने कुछ तब्दील करना होता तो वो मैं क्या तब्दील करती, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन हिस्ट्री, सो जो होना था वो हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. तो आप जो है लर्न करें और कोशिश करें चीजें रिपीट ना हो, बाकी अंडू कुछ नहीं हो सकता. जी, पर जितनी हिस्टोरिकल मूवीज कह ले मैंने देखी हैं, स्पेशली ये इस्लामिक सल्तनत को लेके, आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा मूवीज इंडिया में शायद बनी है, मतलब और मजॉरिटी उसमें लव स्टोरीज हैं, जैसे नूर जहां की थी या वो मतलब इस तरह की जो अकबर की लव स्टोरीज थी वो देखी हैं. मुझे हमेशा ये फीलिंग आई है कि कहाँ पूरी चीज में ना एक बंदे को तो सुपर हीरो बना दिया है, उसका सब कुछ मतलब अच्छा है, ठीक है, और फिर बहुत सारे लोग उसकी अच्छाई की वजह से उसके खिलाफ हो जाते हैं, जो उसके आसपास के एम्परर्स होते हैं, क्योंकि उस जमाने में छोटी छोटी स्टेट्स होती थी, हर स्टेट इंडिपेंडेंट थी. ज्यादा हिस्ट्री तो मैंने नहीं पढ़ी लेकिन जो मैंने मूवीज में देखा है, और फिर ये कि वो एकदम सब उसके अगेंस्ट जो है वो टीम अप करके तो उस बंदे को नीचे उतार देते थे, मतलब हमला करते थे, लड़ाई के बाद वो उसको शिकस्त हुई, उसकी जो सारी चीजें उसकी सल्तनत की पूरी वो टेक ओवर कर लेते थे. तो मतलब लेकिन ये दिस इज सरप्राइजिंग कि ये पैटर्न जो है ये उस जमाने की हर स्टोरी में रिपीट हुआ है, मतलब हीरो चेंज होता रहता है. अभी रिसेंटली हमने जोधा अकबर देखी मूवी, फिर आपने वो भी देखी होगी शायद बाजीराव मस्तानी, मतलब ये सब उसी एरिया, मतलब आगे पीछे की कहानी है ना. तो हमेशा मैंने हर मूवी में ये पैटर्न देखा है. अब आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, मे बी आप क्योंकि ज्यादा बेहतर जानती है मेरे से, तो ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि ये ऐसा मतलब ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है हर मूवी में. रबे, सवाल तो बहुत मजे का है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि, जाहिर है कि मूवी होती भी 3 घंटे की है जिसमें से 1.5 घंटे गाने होते हैं, गानों के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्टोरी होती है जहां तक इंडियन मूवीज का ताल्लुक है. तो आप, और फ्रेंकली लोग कोई बहुत मुश्किल या कोई बड़ा ही नुआंस्ड किस्म का कैरेक्टर देखने के शौकीन भी नहीं होते, वो एक एंटरटेनमेंट और रिलीफ के लिए आए होते हैं. ठीक है, उनको पता लग जाए कि अच्छा एक बाजीराव उधर था और एक मस्तानी इधर थी और बस. लेकिन बाकी देखो, जैसे एक टेम्पलेट सेट है, गुड गाय जिसको बैड गाय जो है वो हर वक्त टफ टाइम देता है और आखिर में गुड गाय के साथ एक पर्टिकुलर किस्म का अंजाम हो जाता है. पाकिस्तानी ड्रामाज में भी आप देख रहे हैं, एक टेम्पलेट है ना कैरेक्टर्स की. ऑडियंस के लिए ये बड़ी आसानी हो जाती है कि अगर इसी तरह का एक टेम्पलेट बनाओ. सो मतलब उनके दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं पड़ता. क्योंकि देखो, मैंने सुना ना, मेरे ख्याल में स्वास में जावेद अख्तर को सुना था, तो किसी ने उनसे ना ये वाली बात पूछी थी कि इंडियन मूवीज के बारे में कि ये इसके होती है इतनी मजहका खेज. तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसी किस्म का लफ्ज किसी ने यूज किया था, नॉट मजहका खेज, मगर उन्होंने कहा कि जो थे जावेद अख्तर, उन्होंने कहा कि देखें ये मूवीज रियलिटी तो नहीं है, वी सेल रियलिटी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर रेफरिंग टू द जावेद अख्तर जो राइटर है, इंडियन राइटर है शायद, है ना, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं गाने वाने. जी 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 जी, अच्छा अच्छा अच्छा. तो बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम एन इंडियन राइटर जो कि मूवीज लिखता है. ठीक है, कहानियां रियल लाइफ की. वैसे एक बात आपकी बात से कि मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को मैं मुगल हिस्ट्री या सल्तनत हिस्ट्री पढ़ा रही होती हूँ, तो मुस्तकिल ना एक पैटर्न रिपीट होता है कि जो शख्स जिसके साथ जैसा करता है ना, इवेंचुअली उसके साथ वैसा ही हो रहा होता है.
तो माई स्टूडेंट्स एक्चुअली आस्क मी कि मैडम ये स्टोरी आप क्रिएट करती हैं या ये कोइंसिडेंस है, ये क्या चक्कर है? तो आई फेल्ट कि यार व्हाट इज प्रोबेबली वियर्डर देन फिक्शन, बिकॉज इतना जबरदस्त कोइंसिडेंस है कि ये लिटरली मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया. बहुत सारे रूलर्स जिस किस्म के बिहेवियर दूसरों के साथ रखते हैं, इवेंचुअली उनका एंड वही वैसे ही हो रहा होता है. तो ये एक चीज तो मैंने भी देखी, इट्स वेरी ड्रामेटिक. सो आपके सवाल का एक जवाब ये है कि लोगों के जाहिर है कि लोग इंजॉय करने आए, उनके जहन पर इतना बोझ नहीं डालना, लेकिन फैक्ट इज ऑल्सो वियर्डर देन फिक्शन, समटाइम्स मोर इंटरेस्टिंग इफ यू वांट टू से, यू नो. तो ऐसी भी बात है. सही सही. तो यही आपकी बात को लेके आगे चलते हुए, जैसे आपने कहा कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज को लेके दे वंडर कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपने भी जैसे कहा कि जो जैसा करता है तो वो उसके साथ फिर इवेंचुअली वैसा ही नेक्स्ट जनरेशन उसके साथ. मतलब मैंने भी ये पैटर्न देखा है कि मुगल अगर आप देखें वो जनरेशन, तो उसी बंदे ने पहले अपने भाइयों को मारा होगा, बाप को मारा होगा, और फिर कल को उसी के बेटे आके फिर उसको मार रहे होते हैं. तो ये मतलब एक आखिरी क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी कि फिर ये जो सारी स्टोरीज हैं ये, और जो पैटर्न्स हम देखते हैं कि वो रिपीट हो रहे हैं, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? मतलब हिस्ट्री पढ़ने का मकसद जो है वो ये भी है कि हम अपनी आगे वाली, जैसे आपने कहा कि वही गलतियां रिपीट ना की जाएं, तो आप इस बारे में क्या ओपिनियन देंगी कि वो क्या गलतियां हैं जो हम हमारी पुरानी जनरेशन्स ने उस वक्त की, और क्या हम वही आज कर रहे हैं दोबारा से, और क्या हमें नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैं आपके सवाल को, इस वाले सवाल का अगर एक और एंगल से दे दूं, सीख सकते हैं. Sure, जैसे आपको अच्छा लगे. तो हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, हमें कंपैरिजन सिखाती है. आप जब बहुत ही लॉन्ग स्पैन में चीजों को देखना शुरू कर देते हैं तो आपको कतई तौर पर नहीं लगता कि जैसे आजकल का जमाना जवाल पे है और कोई जमाना अरूज पे था. आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि कोई आसमान नहीं गिर रहा, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन हो सकता है. और जहां तक वो जो दूसरी बात है कि लोग पहले लोग क्या गलतियां कर रहे थे और अब के लोग क्या उससे सीख सकते हैं, सो मुझे लगता है कि ये जो फिक्सेशंस होती हैं मुख्तलिफ लोगों की, ऑब्सेशंस फिक्सेशंस, जैसे कुछ, जैसे अगर हम इलीट हिस्ट्री ऑफ द इलीट्स की बात करें तो हमें मेगलोमेनिक कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि ऑब्सेस्ड हैं अबाउट पावर. तो वो एक चीज हमें नजर आती है कि वो जब हायर सर्कल्स के अंदर लोग ऑब्सेस्ड होते हैं पावर से, तो वो एक तबाही की तरफ ना सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि औरों को ले जाते हैं. और जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, जब अवाम जो है कतई तौर पे नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, एपथी आ जाती है हर चीज के बारे में कि भाई अच्छा हम क्या करें, या फेटलिज्म तो फिर मेरा ख्याल में सोसाइटी एक खास किस्म की स्टैग्नेशन का शिकार होती है जिससे मिजरी. तो आई थिंक एज अ डिसिप्लिन ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, चीजों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दिखाता है हिस्ट्री. और अगर आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की बात करें तो वो हमें बताते हैं कि ऑब्सेशन और इनर्शिया दोनों ही लीथल हैं सोसाइटी के लिए. सही सही, ये बड़ी डीप बात की आपने. मतलब थोड़ा टाइम चाहिए मुझे भी समझने के लिए, पर मैं इस पे डेफिनेटली गौर करूंगी. तो चलिए जी, बड़ी मजे मजे की बातें हमने सीरियस भी कर ली, फन भी कर ली. अब बारी मेरे ख्याल में आती है हमारी ऑडियंस की, हमारे साथ जो वो लोग इस वक्त लाइव हैं और हमें सुन रहे हैं, और दे आर वेलकम टू जंप इन विद देयर क्वेश्चंस. वी आर ऑल हैप्पी टू लिसन टू यू. फौजिया ताहिर, बताएं कौन है हमारे साथ इस वक्त और क्या क्वेश्चन. मैंने कहा रैप अप करने लगी, मेरे का एक 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 पार्टिसिपेंट का सवाल है. हां बिल्कुल. तो ये सवाल थोड़ा सा आई थिंक हम सबसे रिलेट करता है, क्योंकि हम सब ने अपने बचपन में कहीं ना कहीं सादी को, रूमी को, अपने पेरेंट्स से, अपने किसी फैमिली में किसी एल्डर से सुना, उन कहानियों को सुना जिनमें बहुत ज्यादा डेप्थ होती थी. और मुझे लगता है हम लोग शेप हुए हैं थोड़ा ज्यादा बाकी लोगों की नस्बत,
उसमें बहुत हाथ इस बात का भी है कि हमने शादी की छोटी छोटी कहानियां पढ़ी थी जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटीज में पे क्रिएट कर देती थी। तो एक सवाल जो है ना, इसने एकदम से मुझे याद दिलाया कि अच्छा, हम तो वो जनरेशन भी हैं जो रूमी और सादी को प्रॉपरली पढ़ के बड़ी हुई है, पर आई विल रीड इट आउट लाउड क्योंकि बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है। बहैसियत तारीख के उस्ताद के ये बातें कि हमारा फारसी और अरबी किताब से दूरी, जिसमें आप हाफिज शराजी सादी समरकंदी उमर खयाम और आम कहानियों से पैदा होने वाले तखयल से अब हमारा अदीब शायर और नौजवान वो फेमिलियर नहीं है, तो फारसी और अरबी जबान की अफादियत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये अरसलान वराइच ने पूछा है आपसे। फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन अरसलान। अच्छा, और अरसलान को मुश्किल सवाल करने की आदत है, तो अच्छा तो उसमें यह है कि मेरे ख्याल में तो फारसी और अरबी के अंदर लिखी हुई जो किताबें हैं और जो नॉलेज प्रोड्यूस हुई हुई है, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट यूनिवर्स। ठीक, वहाँ पर जो आपको किताबों में जो वैल्यू सिस्टम्स मिलते हैं, जो रिलेशनल बिहेवियरल डायमेंशंस हैं सोसाइटी की, जो वो बताती हैं किताबें, वो बहुत फ़र्क है, एक बिल्कुल दूसरी दुनिया है। सो मैं फारसी सीख रही हूँ, आप लोगों को शायद मैंने बताया हो कि मैंने एक बड़े फारसी के बेहतरीन उस्ताद से फारसी सीखना शुरू की, तो उन क्लासों में जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो हम वेस्टर्न जो एजुकेशन का एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड है हमारा, उसके अंदर हम महसूस करना चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है, और बहुत बारीक किस्म के एहसासात हैं, बहुत इंसानों की, यानी कि जो बातें रूमी कर रहा है या सादी शराजी या आप किसका किसका नाम ले लें, तो ये बहुत बारीक बातें हैं, बट हम लोग सिर्फ ये कि इट इज़ आवर लॉस, हम लोग चूंकि उन चीज़ों को पढ़ नहीं पाते तो हम उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। हालांकि हमारे पास बहुत आसान चीज़ है कि हम जिस नस्तारी स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो फारसी भी उसी में है, ठीक है, अरबी भी उसी में है, अच्छा बहुत सारी वोकैबुलरी हमारी मिलती जुलती है, सो थोड़ी सी मेहनत से हम लोग कर सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन नहीं करते तो यस, और एक तरह से रूह गायब हो जाती है इल्म में से बाजों का। तो फौजिया, इसमें थोड़ा सा क्या आपको लगता है कि इसमें वो बैरियर्स थोड़ा नोशन का भी आ जाता है, क्योंकि जो मुझे जितनी समझ है हर लैंग्वेज के कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक नोशंस होते हैं जो सिर्फ उसी लैंग्वेज में ही उनका बैकग्राउंड होता है या वो उसी में अच्छे लगते हैं। अब मैंने आई थिंक जो लोग एज अ ट्रांसलेटर जॉब करते हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, आई थिंक शायद उनके लिए ये नोशन को ट्रांसलेट करना शायद एक काफी बड़ा चैलेंज होता होगा मेरे ख्याल में। तो अरबी और फारसी की जो लैंग्वेज स्पेसिफिक नोशंस हैं, जैसे आप देखें कि कुरान जो है वो भी अरेबिक में है, तो जब आप पढ़ा उसमें एक इशू आ जाता है समटाइम जब उसकी इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन की जाती है इन टू अनदर लैंग्वेज उस लिटरेचर की। हाँ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट पॉइंट, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, यही चीज़ है कि वो स्पिरिट जो है ना वो गुम हो जाती है। और लिटरली जितने अरसे में मैंने, खैर आजकल तो छोड़ दी फारसी ही क्लास क्योंकि मैं अपनी अगली बुक पे काम कर रही हूँ, तो थोड़े दिन के लिए अपने उस्ताद से मैंने माफ़ी मांगी हुई है, बट जितने अरसे मैं क्लास लेती रही तो मुझे लगता था जैसे कोई बहुत बिछड़े हुए दोस्त जो है ना वो मिल गए, इतने मजे मजे की बातें होती थी जो कि मेरा ख्याल में कहीं और नहीं होती जो फारसी की बातें, इट्स लाइक गोइंग बैक टू समवेयर जो बहुत दिल के करीब है। अभी आजकल तो आई थिंक फारसी लोग पहले पढ़ते थे, लाइक मेरी मदर के टाइम पे शी यूज टू टेल मी के क्योंकि आपको बैचलर्स लेवल पे एक लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी था उस वक्त, तो पीपल यूज टू शी लर्न फारसी, बट मेरे टाइम पे फिर वो अरेबिक से रिप्लेस हो गई थी, तो मैंने अरेबिक पढ़ी थी अपने 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। फौजिया, मेरा आपसे एक सवाल है जो जरा इनफॉर्मल है, वो ये है कि मुझे लगता है बहुत जल्द अरबी जो है ना वो टर्किश से रिप्लेस होने वाली है, तो
एज हिस्टोरियन ये फीलिंग मुझे भी आ रही है के बाद ये जो उर्तुरुल साहब आए हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वैसे तो कोई मसला नहीं है, हीरोज होने चाहिए और हीरोज होना अच्छी बात है, लेकिन वो एक क्रिटिकल थिंकिंग की कमी जिसकी वजह से हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अतुरल नहीं देखा कभी भी, तो मेरा वोट भी आपके साथ है, सेम वोट। तो बट जो मुझे समझ में आई है कि यू आर वेरी राइट कि जैसे महमूद वरना बुत शिकन थे, इसी तरह से अतुरल जो है वो भी बुत शिकन है। अब जो हम जैसे क्रिटिसाइज करने वाले बैठे हैं वो कहेंगे कि आप फॉरेन हीरोज को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, कुछ अपने में होंगे किसी की तारीफ निकालने, लेकिन खैर आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर लोगों को अतुरल पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई किसी से नफरत हो तो बुरी बात है, अगर कोई बहुत पसंद है किसी से मोहब्बत है तो अच्छी बात है, क्या ख्याल है? ठीक है, बिल्कुल सही। वैसे ये बात तो है कि मतलब अगर बुत शिकन से अब फॉरेन से मेरे दिमाग में जो कंटेम्प्रेरी हमारे हीरोज है ना वो आ गए और मेरे कहा नो पुट देम असाइड, नॉट एट ऑल। तो ये आई एक्चुअली एग्री कि एज लॉन्ग एज किताबें और उनकी टीचिंग्स आप में फैंटेसी आइडियलिज्म एस्केपिज्म जो भी आप उसको कहें, अगर आपको एक बुरी हकीकत से एक अफसानवी हकीकत में ले जाएं, आपको एक एस्केप दें, आपको एक ग्राउंड दें सोचने का, नर्चर करने का अपने आइडियाज़ को, एक अलग दुनिया में आपको एंटर होने दें उस फैंटेसी में जो शायद आप असली ज़िंदगी में नहीं जी सकते, हर वो चीज़ बेशक आप कुछ ना सिखा रही हो लेकिन वो जो साथ है किताब का, आई थिंक वो खूबसूरत साथ अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ जो मुझे लगा कि राबे ने हमसे बहुत सवाल पूछे, राबे ने हमें नहीं बताया कि अपने किताबी शौक रैप अप करने से पहले कि भाई इतने सवाल बनाए अपने खुद के फेवरेट्स, खुद की फेवरेट स्क्रिप्ट्स, उनके बारे में। फेवरेट स्क्रिप्ट्स शुरू से शुरू कर लेती हूँ, बिकॉज अगेन गोइंग बैक टू माई चाइल्डहुड, आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली एंड बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग, तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो अपनी नानी के घर पे गुजरा है। अब मेरी नानी के घर पे ये बहुत सारे किताबी कीड़े थे, इंक्लूडिंग माई नाना जी। मेरे नाना जी नेवर वेंट टू स्कूल, उनको लिखना पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता था लेकिन उनको पढ़ना आता था, और वो बहुत बड़े फैन थे ये जासूसी डाइजेस्ट और सस्पेंस डाइजेस्ट, यू नो उनका मंथली होता था। फिर मेरी खाला थी वो शी वाज अ रेगुलर रीडर ऑफ ये खवातीन डाइजेस्ट टाइप चीजें, मतलब सिंपल चीजों से आपकी हैबिट्स डेवलप होती है ना। फिर मेरे एक मामू थे, ही अभी तक वो उनके घर आप जाएं तो उनका एक रूम है वहां पे यूं ढेर लगे हुए हैं उसी सस्पेंस डाइजेस्ट के। तो मैं क्योंकि उनके साथ मेरा टाइम बहुत ज्यादा गुजरा इस घर में, तो जहाँ पे मेरी नानी के अलावा सभी पढ़ रहे होते थे, तो मैं भी यूं ही एक रिसाला मैं भी अपने नाना का उठा के तो मैं भी पढ़ना शुरू, अगर वो सोए हुए ना तो मैं उनके तकिए के नीचे से निकाल के तो मैं पास बैठ के पढ़ना शुरू कर देती थी। अब अगर उनकी आंख खुलती थी तो वो बेचारे कुछ देर तो सब्र करते थे, फिर वो कहते थे कि बच्चा मुझे मेरी किताब दे दो मैंने भी पढ़नी है, तो मैं लाइक नाना जी दो मिनट रुक जाए मैं पहले मुझे पहले स्टोरी पढ़ लेते थे। तो इस तरह से मतलब हम लोगों का ना वो आदत पड़ी, क्यों फिर उस वक्त टीवी जो था वो रात को ही देखा जाता था कि भाई एक रेगुलर ड्रामा आ रहा है उसके बाद खबरें आ रही हैं और बस कहानी खत्म हो गई। और मेरे घर पे ये था कि अखबार आती थी, तो अखबार पढ़ने का मेरे डैड जो थे वो एक कल्चर था कि अखबार पढ़नी है, तो मैं भी पढ़ती थी। बच्चों का सफा जो था एवरी वेनसडे आता था मुझे याद है रोजनामा जंग में, और वो मैं खड़ी होती थी गेट के बाहर कि कब डैडी आएंगे ऑफिस से, और मैं उनसे वो पेज लेके मुझे ना उसमें लतीफे पढ़ने और स्टोरीज पढ़नी है। तो यहाँ से चलते चलते फिर मैं जब हॉस्टल आई तो हॉस्टल में फिर एक अलग ही लेवल होता है बहन चारे का किताबों को लेके, स्पेशली फिक्शन को लेके। फिर मैं वो एक उस लेवल पे गई जिसमें मैंने फिक्शन पढ़े, इंग्लिश फिक्शन पढ़ना मैंने आई थिंक तब स्टार्ट किया, उसमें सिडनी शेल्डन बड़ा पॉपुलर रहा उस टाइम पे मेरे उस मुझे लगता है तकरीबन कोई बुक नहीं रह गई जो हमने एक दूसरे से उधार लेके ना पढ़ी हो, इवन अगर उसके सफ़े फटे भी हुए हैं। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और वहां पे बेतहाशा बुक्स, मतलब आप डूब जाएं बुक्स में, इतनी बुक्स, और उसमें स्पेशली उर्दू लिटरेचर को लेके जिसमें अब मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, बट उसने वो एक सीरीज लिखी थी जिसमें इश्क का एन शीन और काफ,
और वो तीनों किताबें, ये तीन किताबें थी और तीनों काफी मैसिव किताबें थी, जो के हमने बकायदा एक दूसरे से कंपटीशन होता था कि मुझे इशू करें, मैं पढ़ूंगी। फिर कुदरतुल्ला शहाब का शहाबनामा बहुत अरसा मेरा फेवरेट बुक रही, क्योंकि वो मुझे, उसमें कॉमेडी भी थी, उसमें लेसन्स भी थे उनकी, उसमें उनकी सेल्फ क्रिटिकल भी, वो अपने एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, तो मुझे उनका ह्यूमर बड़ा अच्छा लगता था। ह्यूमर मैंने काफी पढ़ा है, उसमें मुझे मुश्ताक अहमद यूसफी का ह्यूमर बहुत पसंद है, उनकी मैंने काफी बुक्स पढ़ी हैं। फिर लेटर ऑन ऑक्सफर्ड गई तो वहां पे अब लाइब्रेरीज जो हैं, आपने दोनों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो कम्युनिटी का पार्ट थी, कि हर ब्लॉक में लाइब्रेरी पब्लिक है और उसमें आपकी जितनी भी बुक्स है उसमें आपको फ्री एक्सेस है, कोई चार्ज नहीं है, आपका लाइब्रेरी कार्ड बन जाएगा और आप कभी भी जाकर वहां से बुक्स इशू करें, इवन सीडीज आपको मिल जाती थी देखने के लिए। तो मैं जहां जहां रही ऑक्सफोर्ड में, वहां वहां मेरे साथ एक एक किताब पढ़ती रही। तो कोई एक एक ऐसा बंदा, फिर अभी एलिफ शफक को भी मैंने पढ़ा पाकिस्तान दोबारा वापस आने के बाद, तो कोई एक बंदा है नहीं जिसको मैं कह सकूं कि वो मेरा फेवरेट है, लेकिन हर हर कैटेगरी का कोई ना कोई एक बंदा है जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब कॉमेडी में मैं, जैसे अभी मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसफी मुझे पसंद है। फिर फिक्शन में मुझे, क्योंकि मैंने सिडनी शेल्डन को बहुत, अभी भी अगर मुझे उसकी कोई बुक मिल जाए तो मैं, मतलब इतना बड़ा है कि अगर आप बुक के ऊपर से राइटर का नाम रेज करके मुझे बुक दे दो ना, तो मैं पढ़ के बता दूंगी कि ये उसकी लिखी हुई है। फिर अगर आप खवातीन वाली कहानियों की तरफ चले जाएं तो उमैरा अहमद को भी एक टाइम पे मेरी वो भी बहुत फेवरेट थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉपिक शी रोट अबाउट एंड द वे शी राइट, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम, मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब बहुत अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारे लोग उसके कॉन्टेंट के अगेंस्ट भी हैं, वो एग्री नहीं करते, विच इज अनदर थिंग, पर एटलीस्ट वो अपने टाइम की बाकी राइटर से उसने थोड़ा अलग लिखा। तो ये जर्नी एक चल रही है, अभी तक चलती रहेगी, आगे कैसे इवॉल्व होती है, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पर ये जैसे फौजिया ने कहा कि किताब से जो रिश्ता है, हाँ वो तो है, किसी ना किसी शक्ल में चलता रहा है पूरी जिंदगी और आइंदा भी चलता रहेगा। और आज के सेशन का मकसद भी ये था कि हम उस बारे में बात करें, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं जिनसे आप, जिनको लेकर आप किताबों के बारे में बात कर सकें, या जो आपको बता सकें कि भाई आजकल क्या पढ़ें, क्या मैं ये, मतलब इस बारे में बात हो। तो आप लोगों से भी आई थिंक हमारी दोस्ती में भी एक एंगल तो बुक लव का है ही है। और बहुत अच्छा लगा है आज मुझे इस बारे में बात करके, और ये यकीन जाने के सेशंस में यूजुअली पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करती हूँ पॉइंट्स को, पर आज मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, तो मेरे जितने भी क्वेश्चंस मेरे आए हैं वो लाइक डायरेक्ट आए हैं, तो इससे मुझे खुद भी एक आइडिया हुआ है कि लाइक हाउ प्रॉम्प्ट आई एम टू रिस्पॉन्ड कि जब बुक के बारे में बात होती है, विच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। तो होपफुली हमारे लिसनर्स को, हमारे देखने वालों को भी ये पसंद आया होगा आज का हमारा सेशन, और अगर उनके कोई क्वेश्चंस हो या वो हमारे साथ कोई स्टोरी शेयर करना चाहें तो हम ये सेशन के बाद भी वो अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, हमारे मीरे कारवां के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई मैसेजेस हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो इनबॉक्स में आप मैसेज करें, मैं और फौजिया उसको रेगुलरली देखते हैं और हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स भी देंगे। As a last word, I would say ke both of Fauzia's, my favorite Fauzia's, what would they like to add when we are, you know, going towards the end of today? Fauzia Farooqa pehle. Thank you so much. Ye mera khayal mein Fauzia coincidence hamesha se hamara chal raha hai. Aur तो मैंने राबिया आपके कमरे में अक्सर किताबें देखी हुई हैं, और थोड़ा बहुत जब आप इधर उधर जाती थी तो पढ़ने की भी कोशिश की एक आध दफा, तो राबिया के पास जो है वो हमेशा किताबें जो थी ऑक्सफोर्ड में मैंने देखी भी, और इस तरह सो इट वाज लवली टू बी एबल टू टॉक टू बोथ ऑफ यू एंड कैच अप, और इतना मजे का टॉपिक बुक्स, और इट एक्चुअली मेड मी लर्न
quite a lot from you. आप लोगों के बहुत जबरदस्त observations हैं. Thank you so much and thank you Fauzia. And I will always remember हमारा अलामा टॉल्कन के मजार पर हाजरी से लेकर उसकी जर्नी. Yeah, these two women ने इन्होंने एक कबर को बाकायदा मजार का रैंक दे दिया है. ये ना जाते ऑक्सफोर्ड तो उनको पता ही ना चलता कि उनका मजार बन गया. मेरी और फौजी की बड़ी बड़ी कहानी है जैसे मुझे याद है. एक तो जब हम आपस में बात करते हैं ना जहाँ भी, इवन रिसेंटली हम कायदे आज़म में मिले तो मैं उनसे अग्री कर रही हूँ तो जी फौजिया, और वो मुझे कह रही हैं और फौजिया, तो इससे इनको क्या है. एंड आई रिमेम्बर ऑक्सफोर्ड में जब वो मुझसे पूछते थे ना कभी कि आज डिनर करते हैं, तो मैं कहती हूँ आई एम हैविंग डिनर विद फौजिया, तो दे वुड गो डू यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देन हैव डिनर विद योर सेल्फ एंड देन इज दिस योर वे ऑफ सीइंग breakfast I'm having it with Fauzia, dinner I'm having it with Fauzia, who you're celebrating birthday with I'm celebrating it with Fauzia. To logon ko lagta tha main jhoot bol rahi hu, maine koi fictional character banaya hua hai jisko maine apna hi naam diya hai aur uske sath. But I think mera takeaway point yehi hoga ki aaj hum jo hain usme bahut zyada haath aur jahan jahan hum gaye usme humne jaisa khud ko represent kiya usme bahut zyada haath उन किताबों का था और उन कहानियों का था. आई थिंक जो शेयर स्टोरी इस साल की थीम है, आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों है कि वो कहानियाँ आपका थॉट प्रोसेस बहुत बार शेयर करती हैं, वो कहानियाँ आपको रिएक्शंस सिखाती हैं, वही जो राबे ने कहा कि टॉलरेंस सिखाती हैं, काइंडनेस सिखाती हैं, समटाइम्स एग्रेसिव एक्शन सिखाती हैं. वो चीज़ें, वो हालात, वो वाक़यात, वो जज्बात जो आपने इन टर्म्स ऑफ लव और हेट एक्सपीरियंस नहीं किए होते, वो किताबें आपको बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करा देती हैं. तो आई थिंक इन अ वे हमारी अच्छी सी ट्रेनिंग हो जाती है, विच इज़ वाई आई वुड इनकरेज एवरीवन टू रीड और बस सीखते रहें, सिखाते रहें और अच्छे अच्छे खुश खुश रहें. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ फौजियाज. फौजिया ताहिर तो खैर मेरे साथ मेरे कारवां का हिस्सा है शुरू से और ये चल रहा है हमारा सफर अभी तक. एंड वेरी स्पेशल थैंक टू डॉक्टर फौजिया फारूक जो आज आई हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी सारी बातें करने हमारे साथ मजे मजे की. इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको हम बुलाते रहेंगे किसी ना किसी मौजू को लेके. और इसके साथ ही हम अपने तमाम व्यूअर्स और देखने वालों से इजाजत चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत ख्याल रखें, घर पे रहें, कोई अच्छी बुक उठाएं, पढ़ें, मजे करें, बोर होने की कोई जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह द वर्ल्ड विल बी बैक टू नॉर्मल वेरी सून. आपके नेक्स्ट एपिसोड तक आपसे इजाजत चाहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़.